डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया को करारी हार मिला तजिकिस्तान के विरुद्ध हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप के पहले मैच पे ही। तो एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप का पहला मैच इंडिया वर्सेस तजिकिस्तान। इस मैच पे टीम इंडिया का क्या क्या नेगेटिव था, क्या क्या पॉजिटिव था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, यानी कि पूरी तरह से एनालाइज करूंगा इस मैच को और आपको रिव्यू भी दूंगा। तो दोस्तों कल के मैच को देखते हुए मुझे बस एक ही चीज का याद आ रहा था, 45 मिनट तक यार 45 मिनट तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद एकदम वक्त ही बदल गया, जिंदगी बदल गया, जज्बात ही बदल गया यार। एकदम 45 मिनट तक इतना अच्छा चल रहा था, ओ भाई मुझे मारो यार, मुझे मारो क्या मीम सर सॉरी तो सॉरी यार मैं ज़्यादा ही जज्बात हो गया था कल के मैच को देखने के बाद। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन था, थोड़ा सा जोक था, आप बुरा मत मानिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लगातार अगर बोरिंग न्यूज़ मिले तो आप लोग भी एंटरटेन नहीं होंगे। तो चलिए अब सीरियस पॉइंट पर आते हैं कि देख लेते हैं टीम इंडिया ने क्या किया फर्स्ट हाफ में। तो दोस्तों टीम इंडिया बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था पहले हाफ में, उनका मुझे पहले से ही डिफेंस में थोड़ा लैक दिख रहा था, लेकिन काउंटर अटैक बहुत ही बेहतर चल रहा था फर्स्ट हाफ में। 4 मिनट पर एक पेनल्टी मिल गया जो कि छोंग टे लिया, उसके बाद दोस्तों 41 मिनट पर भी एक गोल लगा दिया था टीम इंडिया ने और उनके पास 2-0 से बढ़त था। लेकिन इसके बाद दोस्तों जैसा ही सेकंड हाफ शुरू हुआ वहां पर तजिकिस्तान टीम में एकदम बहुत ही ज्यादा अटैकिंग में चला गया था, बहुत ही गहराई में चला गया था, उनका जो सेट पीस था वो टीम इंडिया को मात दे रहा था। टीम इंडिया का जो डिफेंसिव पोजीशन था वो बहुत ही लैग कर रहा था, क्योंकि दोस्तों तजिकिस्तान का जो सेट पीस है बहुत ही दमदार काम किया। तो दोस्तों लगातार 4 गोल कंसिडर कर लिया सेकेंड हाफ में टीम इंडिया, 1 हो गया 95 मिनट पर, उसके बाद 98 मिनट पर, 71 मिनट पर, 75 मिनट पर, लगातार 4 गोल और 4 अलग अलग खिलाड़ी ने लगा दिया टीम इंडिया को, टीम इंडिया हार गया। तो दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया के पास एक पॉजिटिव थिंग्स ये है कि उनको पता चल गया है कि कहाँ पर क्या लैक चल रहा है टीम इंडिया में, जो कि नेक्स्ट मैच पर सुधर सकता है। और नेक्स्ट तो हमें अब वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी खेलना पड़ेगा, इसीलिए शायद कोच कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक शानदार टीम चूज करने के लिए। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, टीम इंडिया का जो यंग स्टार है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। जैसे कि दोस्तों साहल को तो आपको तो देखने को मिल गया है कि क्या हुआ, साहल कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था और उनके बदौलत मिडफील्ड में थोड़ा बहुत एक्टिविटी हमें देखने को मिल रहा था। दूसरी तरफ उदंत सिंह का भी हमें स्पीड देखने को मिला, तो अटैक में उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था। लेकिन लास्ट में और कुछ देर पहले अगर जॉबी जस्टिन को टीम में सब्स्टिट्यूशन में ले आता तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन बहुत देर हो गया था जब जॉबी जस्टिन आया, तो नेक्स्ट मैच पे शायद उनको और भी प्ले टाइम मिलेगा मैं उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि टीम इंडिया किस तरह से कमबैक करता है। लेकिन यहाँ से बहुत सारा पॉजिटिव थिंग हमें देखने को मिला, जो यंग स्टार है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अटैक में, थोड़ा बहुत डिफेंस में अभी नज़र दे देता है, तो बहुत ही अच्छा और शानदार स्ट्रॉन्ग टीम हमें नेक्स्ट मैच पे देखने को मिलेगा टीम इंडिया द्वारा। तो दोस्तों ये तो था मेरी तरफ से कुछ क्लियर कट सिंपल चीज़ इस मैच में जो मुझे नज़र आया, मैं आपको बता दिया। आपको ऐसा कुछ अगर नज़र आया है आपके दिमाग में या मन में अगर कोई भी ऐसा चीज़ हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।